हेलो दोस्तों, मैं चिराग। कैसे हैं आप सब? तो अच्छे ही होंगे। आपने आंसर की देख ही ली, तो आंसर की में आपको कुछ चैलेंजेस भी करने हैं। आपको लग रहा है कि कुछ ऑप्शंस क्या हैं आपको रॉन्ग दिए हुए, तो मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ दो तीन, जो आपको पक्के चैलेंज करने चाहिए। वो आपके विवेक के ऊपर है कि आपको चैलेंज करना है या नहीं करना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आपको चैलेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी, और बाकी कुछ क्वेश्चंस में आपको डाउट है तो मैं बता दूंगा कि उसको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको 4-5 मिनट ही लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज़ और प्रॉमिसरी नोट दे रखा है। ठीक है, कॉमर्स से रिलेटेड है, याद रखना। ये लिस्ट 2 दे रखी है। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया था वो दिया गया था सीधा सीधा, यानी ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप का नेगोशिएबल, सेल ऑफ गुडविल का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, इस तरीके से दिया गया था, लेकिन वो गलत है। उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप में आएगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड, सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन में आएगा आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, फिर बायबैक ऑफ सिक्योरिटी में आपका आएगा शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, और प्रॉमिसरी नोट में आएगा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और वन। ठीक है, क्या बोला मैंने, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ और वन। तो इसका जो आंसर होगा वो वन होगा, और एनटी के हिसाब से क्या आंसर है इसका, फोर्थ। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हो और इसका आंसर आप बोल सकते हो वन। इसके सपोर्ट में आपको डॉक्यूमेंट लगाने पड़ेंगे जो भी है, यानी जो भी बुक बुक के रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो पीडीएफ की फाइल में एक साथ लगाने पड़ेंगे वहाँ पे, जैसे आप अपना क्लेम सेव कर देते हो। और पर क्वेश्चन के आपके 1000 रुपीज़ लगेंगे। अगर वो सही रहता है तो आपको वापस से रिफंड हो जाएंगे, ऐसा बोला जाता है। अब रिफंड का मुझे पता नहीं होता या नहीं होता। फिर एक और आपका कन्फर्मिटी के साथ है कि वो आपका बिल्कुल सही है लेकिन एनटी ने गलत दिया उसका ऑप्शन। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ए पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म विल बी असेस्ड। तो यहाँ पे एक एन इंडिविजुअल बोल रखा है, HUF, फर्म और बॉडी ऑफ एन इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जो आंसर दिया गया है वो है सही एनटी के हिसाब से फर्म, लेकिन आपको पता है कि जनरली जो पार्टनर है पार्टनरशिप फर्म का, उसको जो भी इंटरेस्ट या सैलरी जो रेमुनरेशन बोलते हैं वो अलाउ होता है, तो उसकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में चार्ज होता है, और वो उसकी क्या बोल सकते हैं हम इनकम फ्रॉम PGBP, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम में आता है। तो एज ए इंडिविजुअल असेसमेंट होता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म विल बी असेस्ड एन इंडिविजुअल। तो आप इसको चैलेंज कर सकते हैं पक्का। ठीक है, अब मैंने ये बताया कि आपके ऊपर है, ये बाद में आप हमको ना बोलें कि हमारा ये चैलेंज सही नहीं हुआ, पर मैं बिल्कुल पक्का बता रहा हूँ कि इसमें भी आपका चैलेंज होगा ही होगा और सही होगा। अगर एक जना चैलेंज करेगा तो सबके सही हो जाएंगे। कईयों का डाउट रहता है कि अगर सारे चैलेंज करें तो वापस से पैसे आ जाएंगे। हाँ, आ जाएंगे, और ये मान के चलो कि अगर एक भी जना चैलेंज करता है तो सबका ही सही होगा रिवाइज आंसर की जो भी आएगी। इसके बाद कईयों को डाउट लग रहा था, दो तीन क्वेश्चन में मैं बता देता हूँ। एक मेरे को क्वेश्चन में डाउट लग रहा है जिसमें दोनों हो सकते हैं, जो एनटी के हिसाब से भी और हमारे हिसाब से भी है। तो यहाँ पे देखो बोल रहा है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट इन टर्म ऑफ रेट ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस एट 30%। ये तो बिल्कुल सही है ए। तो आप देखो, ए ऑप्शन जो आप कर रहा है वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। एनटी के हिसाब से जो आंसर दिया गया वो है ए एंड डी। इंश्योरेंस कमीशन 10%, लेकिन इंश्योरेंस कमीशन पे जो आपका लगता है वो 5% भी लगता है और 10% भी लगता है। 10% जो लगता है वो डोमेस्टिक कंपनी के केस में, और नॉन कॉरपोरेट एसएससी के केस में कितना लगता है, 5%। यानी जो एजेंट होता है अगर वो नॉन कॉरपोरेट एसएससी है तो उस केस में 5% TDS कटता है, और डोमेस्टिक कंपनी के केस में 10% कटता है। तो यहाँ पे 10% भी था मेरे हिसाब से, तो ए एंड बी भी हो सकता है। रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी में 5% नहीं होता, जनरली रेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी पे 2% होता है, और रेंट ऑफ फर्नीचर फिटिंग लैंड एंड बिल्डिंग उस पर आपका जो होता है वो 10% होता है। लेकिन 5% कब होता है, अगर वो इंडिविजुअल या HUF के केस में लग रहा है जो कि 50,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, और किस केस में, अगर वो टैक्स ऑडिट के दायरे में नहीं आते हैं, टैक्स ऑडिट के दायरे में वो इंडिविजुअल HUF नहीं आते हैं तो 5%। तो देखो, रेंट ऑफ फर्नीचर 5% हो सकता है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए और बी और ए और डी में कॉन्फ्लिक्ट है। जो आंसर दिया गया है वो एनटी के हिसाब से मेरे हिसाब से ए एंड डी दिया गया, लेकिन मेरे को ए एंड बी भी लग रहा है। तो इसमें आपकी मर्जी है, आप चैलेंज कर सकते हो जो भी रेलिवेंट डॉक्यूमेंट है उसके साथ, तो आपकी मर्जी है। पर इसमें थोड़ा डाउट लग रहा है तो इसको आप थोड़ा स्किप ही कर सकते हो। फिर मेरे से दो क्वेश्चन कईयों ने पूछे थे या तीन कि ये सही है नहीं है। तो जैसे एक प्रोडक्शन फंक्शन आपको दिख रहा है एक्सप्रेस्ड, तो बोल रहा है कि ये किससे रिलेटेड है, तो उन्होंने बोला कि कॉब डगलस से रिलेटेड है, पर मैंने बोला नहीं, ये कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिसिटी सब्स्टिट्यूशन फंक्शन से रिलेटेड ही है, तो ये बिल्कुल सही है, इसको आपको चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद आ रहा है आपका एक और, कहाँ गया,
हाँ ये रहा, मैच द कैटेगरी ऑफ कंपनसेशन विथ कंपनसेशन प्लान। तो यहाँ पे आपको पे फॉर टाइम नॉट वर्क सेविंग प्लान दे रखा है, इसी तरीके से आपको दे रखा है सर्विसेज एंड परक्यूज, स्टॉक ऑप्शन, प्रोटेक्शन प्रोग्राम, पेंशन, इंसेंटिव पे, डेफर्ड पे, तो आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन बोल रखा है। अब यहाँ पे जो आंसर है वो कई जने बोल रहे हैं कि क्या सही होगा, 83 सही होगा, यानी जो कोड दिख रहा है उसमें आपको दिख रहा है कि 383 सही होगा, मतलब थर्ड नंबर का सही होगा, लेकिन एनटीए ने सेकंड दिया है तो बिल्कुल सही है, आप याद रखना, इसको भी आपको चैलेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है वो किस में आ रहा है, सी पॉइंट में आ रहा है, प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ठीक है, जिसमें आप बोल सकते हैं कि प्रोटेक्शन प्रोग्राम जो किससे रिलेटेड होता है, पेंशन से रिलेटेड ही होता है, क्योंकि प्रोटेक्शन आपको कब दिया जा रहा है, पेंशन में आपसे सैलरी वैलरी का हिस्सा काटा नहीं जाता, आपको लास्ट में मंथली जब भी आप रिटायर होते हो तो मंथली पेंशन या कमिटेड पेंशन मिलती है, तो आपका एक तरीके से क्या है, आगे की लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो बिल्कुल सही है। और जब हम बात करते हैं डेफर्ड पे की, तो उसमें सेविंग प्लान ही आता है, क्यों, क्योंकि डेफर्ड पे का मतलब होता है कि आपकी सैलरी में से कॉन्ट्रीब्यूशन लिया जा रहा है, जैसे पीएफ के फॉर्म में, फिर बाद में क्या होता है जैसे आप रिटायर होते हो तो उस हिसाब से आपका जो भी पीएफ का पैसा आपको मिल जाता है, ईएसआई का जो भी पार्ट है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ, तो एक तरीके से आपका सेविंग प्लान है, ठीक, तो यहाँ पे जो एनटी के हिसाब से वो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आपको दिक्कत कोई करने की जरूरत नहीं है, आपको लग रहा है कि रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। फिर एक और है जैसे उसमें भी बोल रहे हैं लोग कि बहुत गलत है, लेकिन वो गलत नहीं है, हु आर द पार्टीज टू अ चेक, तो कई जने बोल रहे हैं दो पार्टी है, ड्रॉअर और पे, पर यार ना एक होता है ड्रॉअर जिसने चेक लिखा है, एक होता है ड्रॉई जिसके बिहाफ पे लिखा है, जैसे बैंक बैंक होते हैं, ठीक है, और एक होता है पे यानी पाने वाला, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो होल्डर होता है चेक का, जैसे खुद ही क्या होता है चेक का जो ओनर होता है वो खुद बैंक से पैसे अगर निकाल लेता है तो उस केस में क्या बोलते हैं, वो भी होल्डर हो जाता है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ड्रॉअर, पे और होल्डर, ये तीनों पार्ट सही है जो एनटी के हिसाब से करेक्ट है, तो इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा, और वो आप नहीं दे पाओगे तो आपको फालतू में 1000 रुपये पर क्वेश्चन का भी चले जाएगा और कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आई होप आपको ये सारा पार्ट पता चल गया होगा, और कोई भी आप अगर आपको क्वेश्चन लगते हैं कि जिसको आपको कंफर्म करवाना है कि सही है या नहीं है, तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका कोड है या इसकी आईडी है, तो मैं देखने की करूँगा और उसके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा, वीडियो तो नहीं बनाऊंगा, नीचे आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, क्योंकि हर चीज़ के लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है, और हाँ मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो मैं धीरे धीरे बनाने की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, तो अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होना है तो आप बताइए ज़रूर, इसकी फ़ीस अराउंड मैं 1000 से 1500 के बीच में ही रखूँगा, जिसमें आपको वीडियो भी प्रोवाइड की जाएगी और पीडीएफ भी दी जाएगी, और साथ में जो भी आपकी दिक्कत होगी वो चैट के साथ या पर्सनल कॉल के साथ भी मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो ये जो 1000 से 1500 के बीच में, ये फर्स्ट 20 मेंबर्स के बीच में पहले रखूँगा मैं, उसके बाद क्या करूँगा कि जो भी है फ़ीस वो तय करूँगा, यानी पहले मैं थोड़ी सी कम रखूँगा 20 से 30 मेंबर्स के लिए, उसके बाद वो फीस एक फिक्स हो जाएगी और थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।